दिल्ली NCR की हवा इन दिनों जहरीली होती जा रही है। स्मॉग और धुंध के बोझ तले दिल्ली का दम घुट रहा है। जहर रूपी हवा से बचने के लिए लोग मास्क लगाकर घर से निकल रहे हैं। हालांकि सरकार के प्रयासों के चलते कुछ इलाकों में प्रदूषण कुछ हद तक कम भी हुआ है। बावजूद इसके प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 10 दिनों की चेतावनी दी है। ये है प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के आनंद विहार में बुधवार सुबह 9 बजे प्रदूषण का स्तर 719 था, जो गुरुवार को कुछ कम होकर 683 पर आ गया। वैसे कुछ इलाकों में इसका स्तर बढ़ा है। मुंडका में PM 10 का स्तर 645 था, जो गुरुवार को बढ़कर 700 पार पहुंच गया है। वैसे ओवरऑल एयर क्वालिटी स्टेटस में कुछ इजाफा नज़र आ रहा है। अभी और जहरीली हो सकती है हवा। बोर्ड ने दिल्ली वासियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले और इसके बाद हवा काफ़ी जहरीली हो सकती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स ने कहा था कि राजधानी में हवा की चाल धीमी होने के कारण प्रदूषण का लेवल बढ़ सकता है। ऐसे में नवंबर के पहले 10 दिनों तक यहां के निवासियों को वॉकिंग और जॉगिंग करने से मना किया गया है। बोर्ड ने प्रदूषण को देखते हुए 1 से 10 नवंबर तक दिल्ली NCR में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर पहले ही रोक लगा दी है। 4 से 10 नवंबर तक कोल और बायोगैस से चलने वाले सभी इंडस्ट्रीज को बंद करने का सुझाव भी दिया गया है। लखनऊ में भी हवा की सेहत हुई खराब। दिल्ली NCR के अलावा देश के कई शहरों में हवा जहर की चादर ओढ़े नजर आ रही है। IITR की ओर से जारी पोस्ट मानसून रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ में इंदिरानगर, आलमबाग और चारबाग इलाके में रहने वाले लोग हवा का जहर पीने के मजबूर हैं। न्यूज टाइम्स के लिए रजनीश वर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।